तो भाई अगर आप ऑनलाइन से पैसे अर्निंग करना चाहते हैं, घर बैठे बैठे पर डे 10 मिनट 15 मिनट काम करके लाखों रुपये अर्निंग करना चाहते हैं, यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं, तो भाई आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में यूट्यूब के लिए फेसबुक के लिए एक ऐसे कॉन्टेंट के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो कॉन्टेंट है गाइस, ये दोनों प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा चलते हैं। इस तरह के कॉन्टेंट पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके पर वीडियो पर लाखों मिलियन में व्यूज़ भी आ रहे हैं, ठीक है। और इस तरह का वीडियोस बनाना काफ़ी इजी है, ओनली 5 मिनट में मोबाइल फ़ोन की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कार्टून गेम वीडियोस के बारे में। इस कंटेंट पर अगर आप काम करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको गाइस पर डे 5 मिनट 10 मिनट काम करना है और ये काम आप फ़ोन से ही कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कर सकते हैं, कहीं पर भी आप कर सकते हैं, घर में बाहर में कहीं पर भी आप काम कर सकते हैं। ये काम करके अपने चैनल पर या अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर देना है, बस ये काम ख़त्म, पैसा हाजम। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैं फेसबुक पर आकर सर्च कर दिया सेव द बॉब, और सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, ठीक है। एंड पर वीडियो पर देखो व्यूज, देखो मैं आपको व्यूज दिखा देता हूँ। देखो ऊपर में जो वीडियो आ रहा है गाइस, वो 6 अप्रैल अपलोड किया गया इसके पेज पर, ठीक है। और व्यूज देखो 371,000 व्यूज है, ठीक है। एंड उसके बाद ये देखो नीचे वाला वीडियो का व्यू देखो, 7 लाख व्यूज है, ठीक है। उसके बाद ये देखो 241,000 व्यू है, एंड 601,000 व्यूज है, एंड यहाँ पर 5,000 व्यूज़ है। उसके बाद ये देखो मिलियन में व्यूज़ है, 1 मिलियन, ठीक है। उसके बाद ये देखो 4,90,000 व्यूज़ है। तो काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा व्यूज आता है इस तरह के कंटेंट पर, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन सा कंटेंट है, ठीक है। थोड़ा आप ये देख लीजिए। तो गाइस ये एक गेम वीडियो है, ठीक है। और गेम वीडियो उन्होंने गेम खेलकर वीडियो बनाया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोज़ बनाए हैं, मोबाइल फ़ोन की मदद से ये वीडियो बनाए हैं, 5 मिनट 10 मिनट गेम खेला है, और गेम खेलने के बाद जस्ट उनके चैनल पर ये भी उनके फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 मिनट का वीडियो है, और 3 मिनट के वीडियो पर व्यूज़ देखो 371,000 व्यूज़ है। और इस तरह का वीडियोज़ बनाना काफ़ी ईजी है गाइस, आप इजीली इस तरह का वीडियोज़ बना सकते हो, ठीक है ना गाइस। जो मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके पेज आपको खोल कर दिखा देता हूँ, इनके पेज पर कितने फॉलोअर्स है कितना नहीं, तो आप देख सकते हैं 8,000 फॉलोअर्स है, 8,500 फॉलोअर्स है, ठीक है। और इनके पर वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज आते हैं जो कि उस तरह के कंटेंट अपलोड करते हैं। देखो ये जो कंटेंट है सेव द बॉब, इस कंटेंट पर देखो व्यू देखो इतना ही है, ठीक है। अब मैं आपको और एक पेज दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए गाइस। और इस तरह के वीडियोस कैसे बनाओगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और इसके पेज में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, देखो। और इसका पेज मोनेटाइज भी है, ऐसा नहीं है कि ये मोनेटाइज नहीं है, मोनेटाइज भी है, और ये पैसे भी कमा रहा है, बहुत ही अच्छा खासा कमा रहा है। देखो 54,000 फॉलोअर्स है इसके पेज पर, ठीक है। और अब मैं वीडियो सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और आपको वीडियो का व्यू दिखा देता हूँ। देख सकते हैं व्यू देखो कितना अच्छा खासा तगड़ा व्यू जाता है, 5 लाख 6 लाख 1 लाख 1.5 लाख या 6 लाख 1 लाख 1.5 लाख, इस तरह का कॉन्टेंट पर व्यू देखो कितना ही है, ठीक है। कार्टून गेम है ये, कार्टून एनिमेशन गेम, बट काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा व्यू आते हैं। ये तो गाइस आपने समझ लिया होगा कि किस तरह का आपको वीडियोस बनाना है, अब देख सकते हैं। कोई ना कंसर्ट पे जाना है खूबसूरत लड़की की जो कि एक रॉक स्टार है, लेकिन ये लड़का बहुत ज्यादा बेवकूफ है। ओके यहाँ पर एक स्केटबोर्ड पड़ी तो इसको निकाल लेते हैं जल्दी से, अब इसको लेकर चलते हैं जल्दी से कंसर्ट की तरफ। अब ये लड़का इतना ज्यादा गरीब है कि एक बार तो गाइस आपने देख लिया कि किस तरह के कंटेंट उनके फेसबुक पेज पर अपलोड कर रहे हैं। तो इस तरह के कंटेंट आप कैसे बनाओगे, चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है अभी, अभी अगर आप क्रिएट करते हैं इस तरह का वीडियो तो आपका भी चलेगा, आपका चैनल 100% मोनेटाइजेशन होगा, पैसे कमाओगे बहुत ही अच्छा खासा, ठीक है। बट फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग गाइस बुद्धिमान लोग हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, ये मोनेटाइजेशन नहीं हो सकता, ये चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हो सकता, ये चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं। और जो लोग गाइस इस तरह का कमेंट करते रहते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग कुछ नहीं जानते हैं YouTube के बारे में, Facebook के बारे में, ये उनको नहीं पता है, जस्ट कमेंट में लिख देते हैं, ठीक। हम लोग तो गाइस फालतू में ऐसा ही वीडियो नहीं बनाते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं उसके बारे में। तो एक वीडियो बनाने के लिए 3 से 4 दिन रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है, कि मोनेटाइजेशन होता है या नहीं। YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी भी पढ़ना पड़ता है, कौन सा चैनल मोनेटाइजेशन होगा कौन सा नहीं। आजकल लोग ऐसा बेवकूफ़ नहीं है भाई जितना आप बेवकूफ़ समझते हो, हमने कुछ भी बोल दिया और वो मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल बहुत सीनियर है, ठीक है। तो किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ, किसी भी यूट्यूबर भाई आपको कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनाया गया पैसों के लिए। थोड़ा बहुत भाई यूट्यूबर ऐसे भी लोग हैं जो फालतू के वीडियोस बनाते हैं, फालतू ऐसा कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी दिखा देते हैं पैसों के लिए, बट हम लोग जिस तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं उस तरीके से अगर काम करते हैं तो 100% मोनेटाइजेशन होगा। अगर आप ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, जो हम लोग बोलते हैं वो अगर आप ठीक से नहीं कर पाते हैं तो भाई कैसे मोनेटाइजेशन होगा, हम लोग तो सब कुछ बता देते हैं ना,
फिर भी आप लोग ये सब कमेंट करते रहते हो, तो ऐसा सही बात नहीं है। हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग भी YouTube पर आए, पैसे कमाएं। अगर आप लोग बिना सोचे बिना समझे ही कमेंट करते रहेंगे तो भाई आप करते रहेंगे, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो लोग मेरे बातों को सीरियसली लेकर काम कर रहे हैं वो तो आगे बढ़ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। मैं सभी से पूछता हूँ, इंस्टाग्राम पर बात होते रहते हैं सभी से। तो ये सब बातें छोड़िए गाइस, आज मैं जिस कॉन्टेंट के बारे में बताने वाला हूँ वो देखो। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, प्ले स्टोर में आना है। सबसे पहले प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सर्च करना है सेव द बॉब, ठीक है, गेम का नाम यही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सेव द बॉब, ठीक है, ये मैंने लिखकर सर्च कर दिया, डॉग नहीं बॉब, बी ओ बी, ये लिखकर आपको सर्च कर देना है। एंड सर्च करने के बाद गाइस सबसे फास्ट नंबर पर जो एप्लीकेशन आ रहा है गाइस, सेव द बॉब, ये एप्लीकेशन का आपको इंस्टॉल करना होगा। देखो 133 MB का है, तो अभी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ आपको क्या करना होगा, ठीक है। अब गाइस मैं प्ले करता हूँ, एंड प्ले करने के बाद गाइस ये देखो गेम स्टार्ट हो रही है। तो आपको करना क्या है, आपको पहले गेम को इंस्टॉल करना है, फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना है। अगर आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट में स्क्रीन रिकॉर्डर है तब तो ठीक है, अगर आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट में स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है तो भाई आप प्ले स्टोर से स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और अभी के टाइम पर सभी फ़ोन में तो स्क्रीन रिकॉर्डर होता ही है, मुझे पता है, तो वो इसी से काम चला सकते हो, अदर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है, सारा सेटअप कंप्लीट कर लेना है, एंड आप वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हो गेम खेलते समय। ये वॉइस रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यूट्यूब पर डालोगे या फेसबुक पर डालोगे तो वॉइस ओवर करना जरूरी है, तो वॉइस ओवर आप कीजिए। अगर आप वॉइस ओवर नहीं करते भाई तो गेम तो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, वॉइस ओवर करना जरूरी है। फनी फनी थोड़ा डायलॉग भी बोलना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आप गेम को कैसे खेलोगे, इसकी रिकॉर्ड कैसे करोगे, वीडियोस कैसे बनाओगे एंड क्या करोगे, ठीक है। तो गेम हमारा स्टार्ट हो चुकी है, अब आपको करना क्या है, आपको टैप टू कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। टैप टू कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आप देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा लेवल 1 है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो ये सो रहा है, एक दरवाजे पे एक दरवान खड़ा है, ठीक है, दरवाज़ा पूरा ठोक रही है। ये आपको स्टोरी क्रिएट कर लेना होगा, इससे आपको बोलना होगा, ठीक है। आप देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर दो ऑप्शन नीचे दिया गया है, दरवाज़ा खोलेगा ये जो है विंडो से ये भाग जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ विंडो से भाग जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं दरवाज़ा खोल लूँगा तो भाई मुझे पकड़ लेगा दरवान ने, ठीक है। यहाँ पर मैं विंडो से भाग जाता हूँ, देखो अब ये भी भाग जाएगा, ये हमारा लेवल कम्प्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ और ये दरवाजे और ये हमने विंडो से बाहर आ गया। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रही है, एक तो भाई पाचीर कूद कर भाग जाओ, और एक केला का है, और एक केला है इसको इसके मुंह पे मारो। तो हम केलों को यहाँ पर उठा लेते हैं और क्या करते हैं देखते हैं। तो देखो इस पर मुँह पर मार दिया है, देखो अब देखो ये भाग रही है, और भागते भागते सामने से यहाँ पर एक पानी यहाँ पर गिरा हुआ है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, क्या चूज़ करना होगा, एक सूस और एक यहाँ पर एक लकड़ी। तो हम लकड़ी को सिलेक्ट कर लेते हैं, देखो ये लकड़ी से ऊपर आ रही है, चलकर ये पार हो गया है। ओ माय गॉड, पास में एक डॉगी, तो डॉगी को भाई कैसे भगाना है। तो नीचे दिया गया है एक हड्डी और एक लकड़ी, ठीक है। तो कुत्तों को हड्डी को बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर मैं हड्डी सिलेक्ट कर दूँगा तो क्या होगा पता नहीं। देखिए एक बार लकड़ी ये सिलेक्ट करते हैं, तो लकड़ी को सिलेक्ट करके मैंने भाग दिया, फेंक दिया देखो हमारा नेक्स्ट लेवल कम्प्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट लेवल है। एक तो भाई सीढ़ी आ रही है और एक दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा खोल कर देखते हैं, और दरवाज़ा हमने खोल लिया है। ये देखो पास में एक पुलिस बैठा है। अब मैं क्या करता हूँ, लाइट ऑफ करके भाग जाता हूँ, ठीक है, नहीं तो इसको मैं दबा देता हूँ। ओ माय गॉड, डंडा से मुझे मार दिया ऐसा नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, नो थैंक्स। ओह देखो फिर से ये गेम स्टार्ट हो गया है। चलो हम इस बार दरवाज़ा खोल लेते हैं, दरवाज़ा खोलने के बाद हम इस बार लाइट को ऑफ करेंगे, ठीक है, लाइट ऑफ कर देंगे और देखो भाग जाते हैं लाइट ऑफ करके, वो देखिए नहीं दिख पाएगा। और ये देखो क्या कर रहा है, अब हम नेक्स्ट लेवल कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ए बी सी आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, इसको क्या बोलते भाई, ओह ये नहीं करना चाहिए था, गेम ओवर हो गया मेरा। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, वो डॉक्टर डॉक्टर के पास यहाँ पर आ गया है, आँखों में इसको प्रॉब्लम हो गया शायद मुझे लगता है। अच्छा अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एक हथौड़ी आ गया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओ माय गॉड, अब लेंस को सिलेक्ट करते हैं, लेंस को सिलेक्ट करने के बाद देखो ये डॉक्टर कुछ दिख रहा है
रेटिंग देने के लिए बोल रहे हैं, तो हम रेटिंग नहीं देंगे, हम नेक्स्ट करेंगे। तो इस तरीके से गाइस आपको खेलना होगा गेम को, ठीक है ना गाइस। आप देखो कितना मज़ेदार गेम है, इस गेम को जब आप खेलेंगे ना तब बहुत ही आपको मज़ा आएगा और आपका वीडियो भी बनेगा। 5-10 मिनट में वीडियो बना भी सकते हैं और आप गेम भी खेल सकते हैं। सिंपल सा ये है, ठीक है। यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आ रही है, एक सीढ़ी और एक दरवाज़ा। तो क्या करेंगे, हम सीढ़ी से ही देखते हैं, ऊपर चला जाते हैं, ठीक है। नहीं तो पुलिस यहाँ पर है। वाह देखो नाइस, मैंने ये कर दिया। अब यहाँ से नीचे आ जाते हैं, फिर हमारे नेक्स्ट दरवाज़ा आ गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर और एक चाबी है, तो हम चाबी को ही सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। चलो दरवाज़ा खोल लेते हैं। ओ पकड़ लिया रे। स्क्रू ड्राइवर नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, सॉरी चाबी नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। ओके गाइस, इस तरीके से करना होगा, वॉइस ओवर करना होगा और आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर एडिट करना होगा। एडिट ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप करना चाह रहे तो कर सकते हैं, बट आपको वॉइस ऐड करना ही होगा, ठीक है। आप चाहे तो गेम खेलते समय भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं तो आप काइन मास्टर में जाकर आप एडिट करते समय वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। ये आप काम कर सकते हो, ठीक है। इसलिए गाइस मैं काइन मास्टर पर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप एडिट कैसे करोगे, ठीक है। करने के बाद आपको मीडिया ऐप पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो को सिलेक्ट करना होगा। इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। ये हमारा गेम है, गेम को आपको सिलेक्ट करना है, साउंड लेवल थोड़ा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर पेन जूम ऑप्शन दिखाई देगा, पेन जूम ऑप्शन पर क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से तो आपको जूम कर देना होगा। ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से आपको जूम कर देना है ताकि गेम जो है वो एकदम प्रोफेशनल दिखने लगे। आप देखो ये हमारा गेम है, नहीं करना है। यहाँ पर आपको वॉइस ओवर कर देना है। वॉइस ओवर कैसे करोगे वो तो मैंने आपको बता दिया है। आप चाहे तो गेम खेलते समय भी वॉइस ओवर कर सकते हो, और अगर आप अभी वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर माइक ऑप्शन पर क्लिक करना है, वॉइस ओवर कर देना है। और आपको मैं बता दूं कि मैंने पहले ही वॉइस ओवर कर लिया है वीडियो पर, तो आपको मैं थोड़ा अगर प्ले करके सुना देता हूँ। देखो मैंने कैसे वॉइस ओवर किया है। आज का दिन बढ़िया है, आज मैं 4 पे बैठकर सो रहा हूँ, सोते सोते मैं गाना सुन रहा हूँ। अरे अभी कौन आया है मेरे पास, जोर से बहुत जोर से दरवाजा ठोक रहे, शायद मुझे पुलिस शायद लगता है। यहाँ पर गाइस मैंने यहाँ पर जो है दोबारा जो है वॉइस को लिया है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ थोड़ा बहुत एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। दरवाजा ठोक रहे, शायद मुझे पुलिस बोल दिया है मैंने। तो यहाँ पर एक काट लगाना होगा, काट लगाने के बाद शायद लगता है पुलिस आ गया है। अब यहाँ पर ठीक है, शायद मुझे लगता है पुलिस आ गया है, तो यहाँ पर ठीक है, ये जगह गलत है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ट्रिम कर देता हूँ उस पार्ट को, ठीक है। ये देखो अब मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ। पास जोर से बहुत जोर से दरवाजा ठोक रहे, शायद लगता है पुलिस आ गया है। चलो मैं अभी क्या करूँ, मेरे पास दो रास्ता है, एक तो दरवाजा खोलूँ और नहीं तो खिड़की से कूद कर भाग जाऊँ। चलो हम क्या करते हैं, खिड़की से कूद कर भाग जाते हैं, नहीं तो अगर मैं दरवाजा खोल लिया तो पुलिस मुझे पकड़ लेगा। ओके मैं जानता, ओके। देखो यहाँ पर भी गलत बोल दिया है, थोड़ा बहुत मतलब अटक गया है वॉइस, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा एडिट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पकड़ लेगा, ओके। देखो यहाँ से थोड़ा अटक गया, तो इसको हम इस पार्ट को डिलीट कर देंगे, ठीक है। ओके मैं यहाँ पर खिड़की से भाग गया, फिर ओह माय गॉड। यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से हम रखते हैं बाकी। ओके ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास दो रास्ता है, एक मेरे पास केला है और एक 5 इंच कूद कर मैं भाग जाऊँ, क्या करूँ। ओह मुझे केला ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके मुंह पर मारूंगा केला और वो गिर जाएगा। ओके गिर गया, अब मैं भाग जाता हूँ। और तो ठीक है, इसी तरीके से आपको एडिट करना होगा, मतलब जहाँ पर आप वॉइस एड करते समय बोलते बोलते अटक गया हो या जो रुक गया हो या कुछ अलग बोल दिया है, तो उसको आपको एडिट कर देना है और एकदम आपको प्रोफेशनल बना लेना होगा, ठीक है। गेम प्ले वीडियो ऐसे आपको एडिट करना है और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बस सिंपली से आपको सेव कर देना है और सेव करने के बाद आप अपने फेसबुक पेज पर या चैनल पर आप अपलोड कर सकते हो और बस पैसे कमाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, स्ट्राइक नहीं आएगा, चैनल सेफ रहेगा, 100% मोनेटाइजेशन होगा, ठीक है। आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसे कमा सकते हो, बस यही है, ठीक है। मेरा बहुत बड़ा वीडियो है, जस्ट मैंने इतना ही बनाया है जस्ट आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक चैनल बनाऊँ, इस टाइप का वीडियोस अपलोड करूँ, ठीक है। अगर मैं बनाऊँ तो आप लोगों को बताऊँगा कभी, ठीक है। आज का दिन बढ़िया है, आज मैं 4 पे बैठकर सो रहा हूँ, सोते सोते मैं गाना सुन रहा हूँ। अरे अभी कौन आया है मेरे पास, जोर से बहुत जोर से दरवाजा ठोक रहे, शायद लगता है पुलिस आ गया है। चलो मैं अभी क्या करूँ, मेरे पास दो रास्ता है, एक तो दरवाजा खोलूँ और नहीं तो खिड़की से कूद।
तो इस तरीके से आपको बोलना होगा, आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप जैसा मर्जी वैसा बोल सकते हो। मैं तो जस्ट आपको फॉर एग्जांपल बता दिया है, मैं अपने हिसाब से कुछ अलग करके दिखाया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जो भी आप बोलना चाहते हो वो आप बोलकर एक हिस्टोरी क्रिएट करके अपलोड कर सकते हो। तो गाइस आज का वीडियो, आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए।